ऋषि सुनक। इस नाम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारतीय मूल के ऋषि ब्रिटेन के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। चंद घंटों का इंतजार और उसके बाद ऋषि सुनक को ब्रिटेन के पीएम पद की कुर्सी पर बैठे हुए देखा जा सकेगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। दरअसल पहले दौर की वोटिंग में वो बहुत आगे रहे, बाकी दौर की वोटिंग में भी उनका ही बोलबाला रहेगा, ऐसी भी उम्मीद है। वैसे ब्रिटेन की मीडिया से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से तो ऋषि का सिक्का जमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नतीजों से पहले कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। आपको बता दें, अगर ऋषि प्रधानमंत्री बनते हैं तो ब्रिटेन के इतिहास में वो एक ऐसे शख्स होंगे जो ब्रिटिश अंग्रेज की जगह भारतीय मूल के होंगे। अब चूंकि ऋषि की जड़ें भारत से जुड़ी रही हैं तो ऐसे में धर्म, आस्था और संस्कृति उनमें कूट कूट कर भरी है। खुद को बेहद गर्व से हिंदू बताने वाले ऋषि हर रविवार मंदिर जाते हैं। भले ही वो विदेश में रह रहे हैं लेकिन अपनी जमीन पर उसकी परंपराएं उन्हें बखूबी याद हैं। ऋषि हर रविवार मंदिर तो जाते ही हैं, साथ ही साथ पूजा पाठ में भी खूब ध्यान लगाते हैं। भारतीय मूल से जुड़े होने पर उन्हें गर्व का एहसास होता है। बताया ये भी जाता है कि जब ऋषि ने ब्रिटिश सांसद के तौर पर शपथ ली थी तब गीता पर हाथ रख कर ली थी। यही तो होते हैं एक सच्चे भारतीय के संस्कार। वैसे जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी और खुशी की बात है ना। जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल राज किया, अब उसी ब्रिटेन पर भारतीय मूल का कोई शख्स शासन करेगा। ऐसे में हर एक भारतीय दिल से दुआ कर रहा है कि ऋषि सुनक जीत जाएं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएं। हाल ही में ऋषि का सोशल मीडिया पर ऐसा बयान वायरल हो रहा है जिसे सुनकर सब हैरान है, जबकि कुछ लोग उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए। साल 2020 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनने वाले ऋषि सुनक ने जब शपथ ली तो गीता पर हाथ रख कर ली थी। खैर, एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में ऋषि ने कहा, मैं फिलहाल ब्रिटेन का नागरिक हूं लेकिन मेरा धर्म हिंदू ही है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और यही मेरी पहचान है। ऋषि के इस बयान को सुन भारत की 135 करोड़ की आबादी खुशी से झूम रही है। उनके उच्च विचारों ने सभी का दिल जीता है, खासकर हिंदुओं का। वैसे आपको बता दें, विदेश में रहकर भी ऋषि अपने धर्म का पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। कहा जाता है कि वो अपने पास गणपति बप्पा की एक छोटी सी मूर्ति हमेशा रखते हैं। बता दें, ऋषि सुनक की पत्नी भी भारत की ही है और उनकी पत्नी भारत में पैदा हुई। इंडिया में आईटी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी से ऋषि ने शादी की। कॉलेज के दिनों में दोनों की मुलाकात हुई थी, दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कुछ वक्त तक ऋषि अपने ससुर की कंपनी के डायरेक्टर भी रहे, लेकिन उनके अंदर राजनीति में आने की इच्छा बहुत दिनों से थी जिसे उन्होंने पूरा करके दिखाया। खैर, अब देखना होगा ऋषि सुनक को लेकर अच्छी खबर कब तक आती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।